Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the PIB News Analysis for 3rd to 8th of May 2019. तो 3 से 8 मई के बीच का PIB News Analysis देखेंगे. एक बात स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि PIB सिंस गवर्नमेंट का प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, ये गवर्नमेंट का माउथ पीस है, इसलिए अभी इसमें न्यूज़ थोड़ा कम आ रही है. ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो भी आ रही है वो कम आ रही है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कोई नई स्कीम्स या अभी नहीं बता सकता है, बिकॉज ऑफ द आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, इस कारण से कोई नई स्कीम्स नहीं आ रही, इसलिए थोड़ा न्यूज़ कम आते हैं. इसलिए हम दो तीन दिन तक समराइज करके एक साथ बनाते हैं, अदरवाइज अगर ज्यादा न्यूज रहेंगे तो हम डेली का डेली इसको अपडेट कर देंगे. ओके, सो दैट इज ऑन आर साइड, हम कर देंगे ये चीज. दूसरी चीज, दोज़ हू वांट टू गेट द पीडीएफ दे कैन गेट इट फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो. पीआईबी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको कंप्लीट करने की कोशिश भी की है आज, क्योंकि 3-4 दिन से मिस हो रहा था और जरूरी था कवर करना. देयरफॉर आई एम मेकिंग दिस वीडियोस फ्रॉम नाउ ऑन. मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा अभी. एंड क्वेश्चन देख लेते हैं पहले आज के, जो क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने. फर्स्ट इज व्हाट इज कास्ट टोपोग्राफी, व्हाट इज कास्ट टोपोग्राफी क्या होता है. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर मेसाज एंड ब्यूटेस. ओके, तो ब्यूट्स या ब्यूटेस जो भी आपको बोलना है, मेसाज एंड ब्यूट्स क्या होते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन है दोनों. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियन ओशियन डाइपोल, इंडियन ओशियन डाइपोल क्या होता है. एंड फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज एंटी डिफेक्शन एंड व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ बीइंग डिफेक्टेड. ये चारों क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को देख के ही मैंने बनाए कि आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो, अगर आपने क्वेश्चंस पे ध्यान दिया हो तो. ये सारे एक मैं ऑप्शंस क्यों नहीं दे रहा हूं, ताकि आपको पूरा पूरा टॉपिक पढ़ना पड़े. एटलीस्ट ये चार चार टॉपिक्स, तीन तीन टॉपिक्स करके अगर आप पढ़ोगे, 5-10 मिनट अगर आप दो, तो आराम से ये चार पांच टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो. सो दैट विल बी ऑन योर साइड, प्लीज अटेम्प्ट ऑल द फोर क्वेश्चंस. लेट्स मूव टू द न्यूज एनालिसिस पार्ट. पहली न्यूज जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के ऊपर है. तो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड. Basically, it's a nodal national agency responsible for administrating the customs, the GST, central excise duty, service tax and narcotics in India. तो इन सारी चीजों को भी कवर करता है. अभी recently इसका नाम चेंज किया गया है ताकि ये GST को भी इंक्लूड करे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इसका नाम है, ये याद रखेगा. ये जीएसटी, कस्टम्स, एक्साइज, सर्विस टैक्स, नार्कोटिक्स, इन सभी को कवर करता है. बेसिकली ये आता है किसके अंदर, ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है. डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है. अब कस्टम्स ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है. बता देता हूँ, कस्टम्स ड्यूटी का मतलब होता है बेसिकली इट इज अ टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. अगर इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट में कोई टैक्स लग रहा है तो कस्टम्स ड्यूटी कहलाएगी. अगर दूसरी चीज देख लेते हैं, व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी. तो अगर कोई टैक्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे लग रहा है, द गुड्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे लगता है, मैन्युफैक्चरर्स पे लगता है, तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे अगर कोई टैक्स लग रहा है तो वो कहलाता है एक्साइज ड्यूटी. ओके, याद रखेगा, इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इज नोन एज एक्साइज ड्यूटी. और कस्टम्स ड्यूटी जो होता है वो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट के ऊपर लगता है. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टम्स ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी. अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको बनना चाहिए. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग याद देख लेते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइस के बारे में. तो आप सबको पता है कि थर्ड जो मे थी, थर्ड मे, दैट वाज द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे. तो थर्ड मे वाज द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, और उसी समय ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी दिया जाता था, वो भी न्यूज में आता है, आया था. तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज को ही यूनेस्को का गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज कहलाता है. गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज कहलाता है. क्यों कहलाता है? क्योंकि एक कोलंबियन जर्नलिस्ट थे जिसका नाम था गिलर्मो कानो इजाजा. याद रखिएगा, गिलर्मो कानो इजाजा वॉज द कोलंबियन जर्नलिस्ट जिसको असासिनेट कर दिया गया था उसके ऑफिस में. एंड इन द नेम ऑफ दिस गिलर्मो कानो इजाजा, दिस प्रेस फ्रीडम प्राइज को ही गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी कहा जाता है. याद रखिएगा, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में मैंने उस दिन बताया था, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स निकालते हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स निकालते हैं प्रेस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, और उसमें इंडिया की 140th रैंक थी, 140वीं रैंक पे थे, हमने दो पोजीशन लूज किया था वहां पे. और एक चीज मैंने और उस दिन भी बताई थी आपको कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में केवल और केवल वर्ड प्रेस फ्रीडम ही देखी जाती है. मतलब कि अगर आपसे कोई यूपीएससी अगर आपको कंफ्यूज करे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालते समय जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैं वो क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म भी देखते हैं, तो बिल्कुल गलत है. क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म नहीं देखते हैं वो केवल और केवल कितनी फ्रीडम आपके यहाँ प्रेस मीडिया को दी गई है उसको देखते हैं. तो ये याद रखिएगा. थर्ड न्यूज इज रिगार्डिंग इक्रीसैट होल्डिंग मल्टीनेशनल मीट टू टैकल फॉल आर्मी वर्म. तो फॉल आर्मी वर्म बहुत ज्यादा न्यूज में है, मैंने आपको हिंदू में भी इसके बारे में बताया था. इक्रीसैट का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स. ओके, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स. अभी इसने फॉल आर्मी वर्म के लिए किस तरीके से उसको टैकल करना है उसके लिए एक मीटिंग रखी थी.
फॉल आर्मी वर्म के बारे में बता देता हूँ, ये एक इन्वेजिव एग्रीकल्चरल पेस्ट है, इट्स अ पेस्ट इन्वेजिव एग्रीकल्चरल पेस्ट है। पहली बार ये रिपोर्ट हुआ था वेस्ट अफ्रीका 2016 में, 2016 वेस्ट अफ्रीका से ये रिपोर्ट हुआ था, और इंडिया में पहला केस इसका कर्नाटका में 2018 में देखने को मिला, कर्नाटका 2018 में। ये मेज, राइस, सोरघम और शुगर शुगर केन, इन सबको अफेक्ट कर सकता है, तो अभी इसके ऊपर काफी ज्यादा न्यूज में है ये फॉल आर्मी वर्म। अगर आपसे कोई पूछे फॉल आर्मी वर्म क्या है और उसमें आर्मी से रिलेटेड कोई ऑप्शन दे तो कंफ्यूज मत होना, एक तरीके का पेस्ट है, ये याद रखना। हंगुल न्यूज में है, देख लेते हैं व्हाट इज हंगुल। हंगुल को कश्मीर स्टैग भी कहा जाता है, इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट इज द ओनली सब स्पीशीज ऑफ रेड डियर इन इंडिया, इट इज द ओनली सब स्पीशीज ऑफ रेड डियर इन इंडिया। एंड जम्मू कश्मीर में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दचीगाम नेशनल पार्क, वहां पे इसका प्रोटेक्शन किया गया है एंड इट इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल वन ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1978, तो इन दोनों के अंदर शेड्यूल वन में ही रखा गया है ये। अगर IUCN की रेड डेटा लिस्ट देखें तो उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड पे आता है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है IUCN की रेड डेटा लिस्ट के अकॉर्डिंग, ये याद रखिएगा। एंड स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम चलता है, उसके अंदर भी लिस्टेड है, याद रखिएगा। और एनविस प्रोग्राम चलता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का, तो उसके अंदर भी है। नाउ लॉन्च ऑफ फोर्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वेला, तो वेला जो कि फोर्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है उसका कंस्ट्रक्शन किया गया किसके द्वारा, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा, गोवा बेस्ड है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड किसने ही बनाया है, कई बार कंफ्यूज करने के लिए वो दे देते कि मजगांव के साथ रशिया चाइना फ्रांस इन सब ने मिलकर बनाया है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, तो बिल्कुल गलत है, मजगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है। और INS वेला जो है फोर्थ है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की सीरीज का, ये फोर्थ है, इसके बाद फिफ्थ भी आने वाला है। ओरिजिनली स्कॉर्पियन क्लास की अगर हम बात करें तो बेसिकली दे आर क्लास ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन, डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है ये, और इनको बनाया गया था फ्रेंच कंपनी है DCN, फ्रेंच कंपनी प्लस स्पैनिश कंपनी नवांशिया है, तो स्पैनिश प्लस फ्रेंच ने मिलकर इसको ओरिजिनली बनाया है, ओके याद रखेगा। इंडिया में पहली जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन थी वो थी कैलवेरी, सेकंड थी INS खंडेरी, ये प्रोजेक्ट 75 के अंदर बनी थी, और थर्ड वन थी INS करांज, वेला फोर्थ है, फिफ्थ भी मैंने आपको बताई है, आप मुझे बताएंगे फिफ्थ कौन सी है, ओके तो प्लीज फाइंड इट आउट, फिफ्थ का भी नाम आ चुका है, मैंने बताया भी आपको, नाउ यू हैव टू टेल मी व्हिच इज द फिफ्थ वन। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग BRO या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अगली न्यूज है देख लेते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली 59th राइजिंग डे सेलिब्रेट किया अपना बेसिकली, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 7th मई 1960 को हुआ था, 7 मई को इसका फॉर्मेशन डे था, 7th मई 1960 में बनी थी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दैट इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एंड इसका जो रोल है वो यही है कि जो ईस्टर्न नॉर्थ नदर्न वेस्टर्न फ्रंटियर्स है वहाँ पे रोड्स का कंस्ट्रक्शन करता है, कनेक्टिविटी को मेंटेन रखता है, प्लस फॉरेन कंट्रीज के लिए भी रोड इसने बनाई, जैसे कि भूटान म्यांमार अफगानिस्तान इन कंट्रीज के लिए भी हमने रोड BRO के थ्रू बनाई है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज है ईरान अनाउंसेस पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम द 2015 न्यूक्लियर डील, तो 2015 में जो न्यूक्लियर डील हुई थी ईरान के साथ उससे ईरान ने अनाउंस कर दिया कि वो पार्शियली विड्रॉ कर लेगा, क्यों, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, और ईरान न्यूक्लियर डील को क्यों फॉलो कर रहा था, मतलब न्यूक्लियर डील को फॉलो करने का मतलब है कि उसने अपने जो एनरिच्ड यूरेनियम था उस पर कर्ब्स लगा रखे थे, उसको कम कर दिया था, उसके स्टॉक को कम कर दिया था, बट अब ईरान का कहना है कि वो अपने जो कर्ब्स है उसको खत्म कर देगा और एनरिच्ड यूरेनियम को भी प्रोक्योर करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली उसने क्यों ऐसा कहा, क्योंकि भाई देखो डील ये थी कि वो ये चीजें नहीं करेगा, प्रोक्योर नहीं करेगा, एनरिच्ड यूरेनियम पे कर्ब रखेगा, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज उस पर सैंक्शंस नहीं लगाएंगी, लेकिन अमेरिका ने उस पर सैंक्शन लगा दिए, इस कारण से ईरान ने अनाउंस कर दिया है पार्शियल विड्रॉल। रशिया और चाइना ने कहा है कि ईरान के सपोर्ट में, उन्होंने कहा है कि भाई यूएसए को भी ईरान की जो न्यूक्लियर डील उसको पालन करना चाहिए और सैंक्शंस नहीं लगाने चाहिए, तो ऐसा चाइना और रशिया ने कहा है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड न्यूज में था, क्यों न्यूज में था, क्योंकि इंडिया को एक सिग्निफिकेंट विक्ट्री मिली है, जगजीत पवाड़िया को रीइलेक्ट कर लिया गया है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में फॉर अनदर टर्म, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत जगजीत पवाड़िया को इलेक्ट कर लिया गया है
याद रखिएगा, INCB यानी कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में 13 मेंबर्स हैं, जो कि इलेक्ट कौन करता है, इकोसॉक। ओके, इकोसॉक क्या है आप मुझे बताएंगे, यूनाइटेड नेशंस की ही बॉडी है, याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस के 6 पार्ट्स में से एक इकोसॉक भी है। अब आपको बताना है इकोसॉक के बारे में। INCB में 13 मेंबर्स होते हैं, मैं फैक्ट्स बता देता हूं, इसको इलेक्ट करते हैं, इकोसॉक के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। INCB 1968 में बना था, कब बना था, 1968 में बना था। इट इज एन इंडिपेंडेंट एंड क्वासी जुडिशियल मॉनिटरिंग बॉडी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल कन्वेंशन। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल कन्वेंशन को मॉनिटर करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए ये क्वासी जुडिशियल और इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसको बोलते हैं INCB, और इसमें इंडिया की जगजीत पवाड़िया रीइलेक्ट की गई है, याद रखेगा। मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इसको कौन रिलीज करता है, इसको निक्की इंडिया निकालता है। ओके, निक्की इंडिया इसको निकालता है, कौन निकालता है इसको, निक्की इंडिया निकालता है। नाउ दिस इज इंडिकेटर फॉर बिजनेस एक्टिविटी बोथ इन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर्स। तो निक्की इंडिया इसको निकालता है, ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए होता है। इसमें 0 to 100 तक की वैल्यूज आ सकती है, 50 से ऊपर अगर है तो मतलब एक्सपेंशन हो रहा है बिजनेस एक्टिविटी का, और अगर 50 से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बिजनेस एक्टिविटी का, ये याद रखिएगा। निक्की इंडिया इसको निकालता है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। इसके अलावा IIP भी आता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसको CSO निकालता है, मंथली CSO निकालता है। तो दैट इज इट फॉर द न्यूज पार्ट फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।